साबरकांठामां भગીરથ સમાજ દ્વારા વડાલી ખાતે ભવ્ય રેલી સાથે રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જેમાં ભગીરથ સમાજના જનકલ્યાણ અર્થે દિલ્હીથી નીકળેલી યાત્રાનું અલગ અલગ રાજ્ય બાદ ગુજરાતમાં આગમન થયું છે। ત્યારે વડાલી ખાતે ભવ્ય રેલી સાથે રથયાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। साबरकांठामां भगीरथ समाजनी रथयात्रानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। वडालीमां रथयात्रानुं भव्य स्वागत करवामां आव्युं हतुं। तो भगीरथ समाज द्वारा आ स्वागत करवामां आव्युं हतुं। यात्रानुं वडालीमां आगमन थयुं हतुं। जो आई है गुजरात की धरती वडाली में, आज हमारा इतना बड़ा विशाल जुलूस जो निकला भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा के सपोर्ट में, मैं गुजरात के तमाम अपने सगर समाज के सगर भगीरथ समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई दे रहा हूं उन युवाओं के माता बहनों को जिसने हमारा उत्साह बढ़ाया है। और देश भर में भगीरथ यात्रा जो संकल्प लेके जो हम लोगों ने चला है कि समाज के लिए भगीरथ सगर समाज के लिए एक आयोग बनाने के लिए हमारा मांग है। हरिद्वार में भगीरथ जी का सबसे बड़ा स्टेचू बनाया जाए क्योंकि माँ गंगा को धरती पे लाने वाला हमारा भगीरथ जी है। हमारा जो भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा है, ये मैं इसलिए एक युवा पीढ़ी को उत्साहित करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और पिछले 15 दिन से, और सिर्फ ये 15 दिन से नहीं, पिछले 3 महीने से हमने ये संकल्प लिया था इस यात्रा को हम सफल बनाएंगे। मैं नहीं, देश के हर कोने से लोग सर का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें अभी जगने की बहुत आवश्यकता है। हम सगर भगीरथ वंशज हैं और अगर आज हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं तो हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। भगीरथ जन कल्याण यात्रा दिल्ली थी शुरू थई पूरा भारत देश में फरवानी छे, तेना भाग रूपे वडालीना सगर समाज खाते पहुंची आ यात्रा नु भव्य स्वागत करवामां आव्युं। अमे रामलीला मैदान में 5 થી 10 લાખ लोग भेगा थईने आ यात्रा द्वारा अमे सरकार श्री ने कहेवा मांगीए छीए के जो सरदार पटेल नु स्टेच्यू बनतु होय तो भगीरथ दादा ए विश्वना कल्याण माटे मां गंगा ने पृथ्वी पर लाया, तो एमनु स्टेच्यू हरिद्वार में केम ना